हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सभी? सो गाइस, एसएससी एग्ज़ाम्स की डेट को लेकर के अभी भी काफ़ी सारे बच्चों के मन में एक संशय बना हुआ है कि कितना समय आप लोगों के पास है और कितना समय अभी और आपको मिल सकता है आपकी तैयारी के लिए। सो गाइस, काफ़ी समय से आप लोग हमें पूछ ही रहे हैं लगातार। तो देखिए गाइस, अभी आपको पता ही है कि केंद्र सरकार ने एक नई गाइडलाइन जारी कर दी है, जिसमें उसने सभी राज्यों को लगभग 30 जून तक लॉकडाउन लगाने के आदेश दिए हैं। किस गाइस, यानी कि अब राज्यों के हाथ में है कि वो अपने यहाँ पर किस तरह से और कब तक का लॉकडाउन लगाएं। जैसे कि मैं बात करूँ अपने ही राज्य की, जैसे मैं उत्तर प्रदेश से हूँ, तो यहाँ पर यह फरमान है कि जिस राज्य में 600 एक्टिव केस से कम केसेस होंगे वहाँ पर लॉकडाउन खोल दिया जाएगा, नहीं तो नहीं। जिस क्षेत्र से मैं बोल रहा हूँ वह है सहारनपुर, और यहाँ पर भी अभी लॉकडाउन लगा हुआ है, बिकॉज यहाँ पर एक्टिव केसों की संख्या अभी 1400 प्लस है। सो गाइस, ऐसे में ऐसे बहुत सारे राज्य होंगे जहाँ पर एक्टिव केसों की संख्या कम भी हो सकती है और ज़्यादा भी हो सकती है। तो इसका मतलब ये तो कन्फर्म है कि अभी जून जून को एग्ज़ाम नहीं होगा। वैसे भी ये तो साफ ही है बिल्कुल। जुलाई में आपका एम टी एस का एग्ज़ाम होना था तो वो भी गया। अब ये भी कंफर्म है कि जुलाई में और एग्ज़ाम भी नहीं होंगे, बिकॉज अगर और एग्ज़ाम लेने थे तो फिर जून ये एम टी एस का ही ले लेते। ओके गाइस, तो अभी इनको ये भी पता है बच्चों, एक आपने थर्ड वेव सुना होगा, ईश्वर ना करे वैसे तो वो आए, लेकिन गवर्नमेंट चाहेगी भी नहीं कि वो आए, क्योंकि उसका साफ साफ अटैक बच्चों पर है। तो मुझे ऐसा लगता है कि कम से कम आपके पास में अक्टूबर से पहले कोई भी एग्ज़ाम होने की संभावना नहीं है, यानी कि आपके पास साफ साफ जून जुलाई अगस्त सितंबर यानी कि मिनिमम 4 महीने हैं किसी भी एग्ज़ाम्स को लेकर के। अब ऐसे में अगर मैं बात करूँ एसएससी स्टेनों की, तो ऐसा भी नहीं है कि एग्ज़ाम्स कैलेंडर आते साथ सबसे पहले स्टेनों का ही एग्ज़ाम होगा। पहले रुके हुए एग्ज़ाम आपके होंगे, जैसे कि आपका सीएचएसएल। यस गाइस, सो यहाँ पर ज़्यादा उम्मीदें हैं कि आपका ये एग्ज़ाम नवंबर के बाद भी जा सकता है, यानी कि आपके पास अच्छा खासा समय है 4 से 5 महीनों का। और बाकी एग्ज़ाम्स की बात करूँ तो कम से कम 4 से 5 महीने मिनिमम सभी एग्ज़ाम्स वालों के लिए हैं जो लोग भी प्रिपरेशन कर रहे हैं, चाहे वो एसएससी स्टेनो का हो, चाहे वो एसएससी सीपी हो, चाहे सीएचएसएल हो, चाहे सीजीएल हो, चाहे एमटीएस हो, कोई भी एग्ज़ाम हो, आपके पास एक अच्छा खासा समय है, अच्छा खासा आपके पास मौका है। अगर आप ऐसे में भी एग्ज़ाम नहीं क्रैक कर सकते, यानी कि देखिए लापरवाही से काम तो चलने वाला है नहीं, ये तो आपको ही पता है बच्चों। अच्छा, आप इतने छोटे बच्चे नहीं हैं कि आपको मोटिवेट करने के लिए रोज़ाना एक वीडियो बनाई जाए कि ऐसे ऐसे करोगे तो ऐसे ऐसे हो जाएगा, 160 प्लस नंबर लाओगे तो ऐसे हो जाएगा। देखिए, आप छोटे बच्चे नहीं हैं, अपना अच्छा बुरा आपको खुद पता है। यस, हम लोग आपको मोटिवेट करें इसकी आपको ज़रूरत ही नहीं है। सही बात तो ये है, ये छोटे बच्चों काम हुआ करते हैं कि अगर ये नहीं करेगा तो वो आ जाएगा, और वो नहीं करेगा तो ये आ जाएगा। आपको खुद अपना अच्छा बुरा पता है। सो यहाँ आपके पास में एक अच्छे खासा समय है, जिनको सिलेक्शन लेना है वो अपने दिन रात मेहनत करते रहें, जारी रखें अपनी मेहनत, क्योंकि इससे सुंदर और सुनहरा मौका आपको कभी नहीं मिल सकता ज़िंदगी में। ओके गाइस, दूसरी बात, आपके पास अगला मौका भी साथ साथ तैयार खड़ा होगा, 2000 अगली जो वैकेंसी आनी है। यस गाइस, सो मौका है, हाथ से जाने मत दें, तैयारी में लगे रहें। कम से कम 4 से 5 महीने आपके पास एग्ज़ाम्स के लिए हैं अभी। सो बेफिक्र होकर तैयारी करते रहें। बहुत सारे बच्चों की ये सर रिक्वायरमेंट थी कि सर एग्ज़ाम कब तक होंगे, एग्ज़ाम कब तक होंगे। देखिए, ये तो बात सत्य है कि जब एग्ज़ाम कैलेंडर हाथ में आ जाता है तो ही थोड़ी सी राहत मिलती है कि एग्ज़ाम के लिए टारगेट मिल चुका है, लेकिन इतना तो आपको भी अब थोड़ा सा आभास हो गया होगा कि एग्ज़ाम आपका नज़दीकी डेट में नहीं होना है। तो क्यों ना हम लोग अपनी तैयारी में लगे रहें और तैयारी करते रहें, क्योंकि एग्ज़ाम तो होना ही है एक ना एक दिन। अच्छा, एग्ज़ाम देना भी आपको ही है, कोई और एग्ज़ाम नहीं देगा, तो जितना लेट हो रहा है उतना आपका फ़ायदा हो रहा है, उतनी आपकी प्रिपरेशन बढ़ रही है। अपनी प्रिपरेशन को और बढ़ाते रहें, चार चांद लगाते रहें, जितनी ज़्यादा आप कोशिश करेंगे उतना ही अच्छा आपका सिलेक्शन होगा। यस गाइस, आपको पता है आजकल मेरिट के हालात, मेरिट आपकी 160 प्लस जा रही है स्टेनो की, सीजल की मेरिट भी आसमान छू रही है, तो आजकल हर एग्ज़ाम्स की मेरिट आसमान छू रही है। सो क्यों ना आप भी आसमानों को छूने की कोशिश करें और तैयारी में अपने चार चांद लगाने की कोशिश करें, इससे अच्छा और सुनहरा मौका आपको नहीं मिल सकता है। सो लगे रहिए तैयारी में गाइस अपनी, और आप सभी को अपने आने वाली परीक्षाओं के लिए ऑल द बेस्ट।